साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राव चंद्र फिक्स में गेट वेलकम है। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, SSC GD 2023 का टाइगर लेकर चल रहे हैं और पुलिस का टाइगर भी लेकर चल रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट की हुई थी और मैथमेटिक्स के मैं आप लोगों के 3-4 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। SSC GD के आपका संख्यापत्ति मैंने खत्म करा दिया, मेंसुरेशन खत्म करा दिया और प्रतिशत खत्म करा दिया। अब प्रतिशत के बाद भारी डिमांड आ रही थी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के बारे में। तो आज आप लोगों के लिए लाभ हानि में लेकर आया हूँ। इसकी बहुत सारी क्लासेस आएंगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल पर जाएंगे, लेकिन ये बेसिक की क्लास है। तो आप सभी लोगों से एक ही प्रार्थना है, एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा देखना, धैर्यशीलता के साथ देखना और नोट्स बनाना। और नोट्स की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो मैं यहाँ पर लिखूंगा पूरी मेरी हैंड राइटिंग में आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए यहाँ पर नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप भी SSC GD या किसी भी SSC के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये क्लास नंबर 1 है। और इस क्लास को इतनी बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, दुनिया में आपने प्रॉफिट एंड लॉस कहीं पर भी पढ़ा होगा, एक बार आप मेरे से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको मजा आ जाएगा। और ये पूरी की पूरी क्लासेस में आपको जितनी भी क्लासेस मैं बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, सारी ट्रिक के बेसिस पे बताऊंगा। और ट्रिक के बेसिस पर यदि आप सॉल्व करोगे ना सवालों को तो आपको ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ट्रिक में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि एक बार हमको हैबिट हो गई ना तो ट्रिक से मजा आ जाएगा आपको, ट्रिक से क्वेश्चन करने में। अगर इसके फॉर्मुलों की बात करें तो भाई कोई भी बुक ले लो, उसमें दुनिया भर के फॉर्मुले लिखे हुए हैं, उनको रट लो और फिर ट्राई करो क्वेश्चन, तो आप कॉम्पिटिशन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि फॉर्मुला रट के आप कॉम्पिटिशन निकाल ही नहीं सकते। अगर आपको एग्जाम फाइट करना है तो आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी, टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले याद किए हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस चैप्टर से संबंधित, और जो भी आपका डर है इस चैप्टर से संबंधित वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस मेरी पूरी क्लासेस देख लेना, जितनी भी क्लासेस मैं लेकर आऊंगा, ये आपकी बेसिक क्लास है जिसमें आपको पहले नंबर की क्लास है, इसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बेसिक पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड मीनिंग ऑफ लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? लाभ होता है। लॉस क्या होता है? हानि होती है। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको कहीं पर 1,000 रुपये मिल गया, पड़ा मिल गया जमीन पर, तो आप क्या करोगे? उसको उठाओगे और बड़े मन में खुश प्रसन्न हो जाओगे, आह मजा आ गया, आज तो आनंद आ गया, 1,000 रुपये मेरे को मिल गए। तो मेरी जेब में 500 रुपये थे, 1,000 रुपये मेरे को और मिल गए, तो मेरे को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 1,000 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, यानी कि 1,000 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। इसी तरह से हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में भीड़ भाड़ में, या हमारे जेब से किसी ने पैसे चुरा लिए तो 500 रुपये चुरा लिए, अब हमने घर पे जाकर देखा या शॉप पे शॉपिंग करने जा रहे थे वहां पे जाकर देखा तो जेब में पैसा ही नहीं है, अरे बाप रे ये क्या हो गया भाई, 500 रुपये कहाँ चले गए, ये क्या हो गई? हानि हो गई। तो आदमी दुखी है तो क्यों है? लॉस हुआ है। आदमी खुश है, हैप्पी है तो क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। बस इसी की स्टोरी के बेसिस पर ये पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, मजा आ जाएगा, बस ध्यान से आप पढ़ते रहना, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। तो देखिए इसमें हमको कौन कौन सी टर्म्स पहले पढ़नी होती है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जिसपे हमने सेल किया है, यानी कि विक्रय मूल्य। और किसी भी चीज को बेचने के लिए हम एक रेट फिक्स करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ये मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, ये वो वाला मूल्य होता है जिस पर उसको हमने उसकी मतलब एक हमने प्राइस फिक्स कर दी है, उस प्राइस पर अगर हम उसको बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अंकित। लिखी हुई प्राइस को हम बोलते हैं अंकित। तो ये 3 चीजें हैं, इनको ध्यान समझ लीजिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और मार्क्ड प्राइस क्या होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट एंड लॉस में कि 100% क्या होगा? हमेशा क्रय मूल्य होगा आपका। ये नियम याद रखिए, 100% हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। अब एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका क्रय मूल्य है और ये जो आपका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो आप सभी लोग समझते होंगे, क्रय मतलब जिसमें अपन ने किसी चीज को जिस मूल्य पर खरीदा है, दैट इज क्रय मूल्य, और अब उसको हमने बेचा है तो वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य उसको हमने जिस पर खरीदा है, और विक्रय मूल्य क्या है? जिस पर हमने उसको बेचा है, ठीक है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य
के बीच का जो अंतर होता है वो हमको क्या बताता है कि आपको कितना लाभ हुआ है या फिर आपको कितनी हानि हुई है, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हम बात करें विक्रय मूल्य और अंकित मांग की। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की अगर हम बात करें तो ये हमको क्या बताता है, डिस्काउंट बताता है। ये हमको क्या बताता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको लाभ या प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। और सेलिंग प्राइस और मार्क्स प्राइस का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, छूट का पता चलेगा, यानी कि डिस्काउंट। ठीक, अब डिस्काउंट को जरा समझ लेते हैं। डिस्काउंट, डे टू डे लाइफ में डिस्काउंट हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जब भी आपने देखा होगा दीपावली का त्यौहार आया, होली का त्यौहार आया, तो मार्केट में जो भी चीज़ हम नई लेकर आते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उस पर हम कुछ डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो पुराने टाइम पर तो ऐसा चलता था कि फेस्टिवल होगा तब वो डिस्काउंट चलता था, अरे भाई फेस्टिवल के टाइम पर हम टाइम पर सामान खरीदेंगे, परचेस करेंगे। लेकिन आज के टाइम पर जो भी कंपनी नई आती है तो वो हर अपने आइटम को सेल करने के लिए उस पर कुछ ना कुछ छूट देती है, हमको क्या देती है, डिस्काउंट देती है। डिस्काउंट मतलब छूट देना। जैसे अब मैं इसको और बारीकी से आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। देखो, जैसे मैं बात करूँ, एक ऑब्जेक्ट का मूल है 1000 रुपया। कितना मूल्य है, 1000 रुपया। अब मैंने उसको 1000 रुपया में लिया है, अब मैं उसको बेचना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है अगर मैंने किसी चीज को लिया है तो मैं उसको 1-2 रुपए तो ज्यादा बेचूंगा या 50-100 रुपए तो ज्यादा बेचूंगा, तभी तो मेरे को कुछ प्रॉफिट होगा ना। तो मैंने उसका मूल्य रख दिया 1100। कितना रख दिया, 1100। तो 1000 में मैंने खरीदा, तो 1000 क्या है, क्रय मूल्य है। मैं बेचना कितने में चाहता हूं, उसका अंकित प्राइस मैंने कितना रखा हुआ है, इतना रखा हुआ है। ठीक है, अब एक बंदा आता है मेरे पास, बोलता है भाई साहब ये कितने की है, तो मैं बोलता हूँ 1100 रुपये की है। अब वो कहता है नहीं भाई साहब 1100 में तो नहीं ले पाऊँगा, मैं 1100 में नहीं ले पाऊँगा। तो भाई ठीक है, तेरे लिए मैं कर देता हूँ, है ना, 1000 से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोल दिया, चल ठीक है, तू रोज का ग्राहक है, 1050 में ले जा। कितने में ले जा, 1050। अब दूसरा बंदा आया, वो कह रहा नहीं 1050 तो यार ज़्यादा है, तो वो कितने में बोलेगा, नहीं मैं तो 1000 में ही लूँगा, तो वो 1000 में ले गया। तो जितने में खरीदी उतने में चला गया। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया तो इसने क्या करवा लिया, कम करवा लिया। तो ये इसने इसमें इस जो मैंने आपको प्राइस बताया उस पर इसने कुछ छूट ले ली, 50 रुपये की छूट मिल गई, इसको 100 रुपये की छूट मिल गई इस पर। ठीक है, अच्छा, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा मार्केट एडवांस हो गया है, उसको पता है कि कोई भी बंदा आता है तो कुछ ना कुछ उसको छूट चाहिए। अगर आप मार्केट में पेंट लेने जाओगे, सेट लेने जाओगे, तो अगर वो आपको ठीक ठीक रेट बता देगा तो आप उससे कम करवाओगे। तो उनका क्या दिमाग चलता है, वो पहले ही बात उसकी रेट बता देते हैं 500 रुपये। जैसे किसी पेंट की रेट उन्होंने फिक्स कर दी 500 रुपये, कितना फिक्स कर दिया, 500 रुपये। अब उस पर उन्होंने 500 रुपये फिक्स कर दी। अब एक बंदा आया कि सर ये पेंट क्या, पेंट का रेट क्या है, तो मैंने बोला 1500 रुपये। अरे 1500 रुपये तो ज़्यादा है, लाया तो मैं 1000 का था लेकिन मैंने उसका रेट क्या फिक्स कर दिया, 1500 रुपये फिक्स कर दिया। अब बंदे को मैंने 1500 रुपये बताया, लाया मैं 1000 में, बताया कितना, 1500 रुपये में, तो वो मेरे से कम करवाएगा, कम करवाएगा तो 1400 कर दूंगा, मान गया तो ठीक है, नहीं मानेगा तो 1300 कर दूंगा। तो 1300 में ले गया, कितने में ले गया, 1300 में। लेकिन जब यहाँ पर 1000 था तो मैंने मात्र 100 रुपये बढ़ाए, तो मेरे से 50 रुपये कम करवा लिए उसने, और 1000 में ही ले गया। लेकिन जब यहाँ पर मैंने बेवकूफ बनाया कि 1000 का प्राइस रख के उसको 1500 रुपये बताया, तब उसने बताओ 1300 में खरीद लिया वही चीज को जो 1100 में बेच रहा था, वही चीज को किसमें खरीद लिया, 1300 में खरीद लिया या फिर 1400 में खरीद लिया। तो इस तरह से क्या करते हैं मार्केट वाले, हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जो एक्चुअल प्राइस होती है उससे कम से कम 500-600 रुपये तो वो ऊपर बताएंगे, कितना कम करवाएगा, करवा ले, ठीक है ना, हमको क्या पता उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। ठीक है, ये चीज होती है। तो थोड़ा ये डे टू डे लाइफ से भी कनेक्टेड चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे, मजा आएगा आपको। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें, अब जरा काम की चीज समझ लो अपने। अब काम की चीज इसमें क्या है, जैसे अब इसमें काम की चीज क्या है, जैसे एक वस्तु का मूल्य है 100 रुपये, तो ये जो 100 रुपये मूल्य है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब मुझे इसको बेचना है, अब मुझे इसको बेचना है, तो मैंने इसकी एक रेट फिक्स कर दी। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट की एक रेट फिक्स कर देता हूँ, उस पर एक सील लगा देता हूँ, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो मैंने उसको बताया कि इसकी मार्केट प्राइस जो है ना वो कितनी है, 150 रुपये है। कितनी है, 150। तो ये इसकी क्या हो गई, मार्केट प्राइस हो गई। ठीक, अच्छा,
अब मैंने क्या किया, 100 रुपए की चीज ली, 150 रुपए उस पर चिट चिपका दी कि भाई ये कितने की, 150 रुपए की है, ठीक है। और ये मॉल में बहुत रहता है, चीज 100 रुपए की होती है, चिट चिपकी रहती है, लेकिन उस पर वो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट देते हैं आपको। क्या देते हैं? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का देते हैं आपको? 120 रुपए। यानी कि उस पर पर्ची चिपकी हुई है 150 की, आई थी कितने में? 100 रुपए में। तो 100 रुपए क्या उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। अब उसने मार्केट प्राइस की कितनी रखी? 150। और 150 पर वो छूट दे रहा है। क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। तो छूट देने पर इतने पर वो बेच रहा है, तो ये कौन सी प्राइस हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी, यानी कि सेल करने की। ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये मार्केट प्राइस हो गया। अब आपसे डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट के लिए आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का अंतर देखना है। तो आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 30 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 150 की चीज आपको 30 रुपए क्या मिल रही है? कम मिल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट हो रहा है इसे उस ऑब्जेक्ट में या हानि हो रही है, उसका कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए आप किसको देखोगे? यस, इन दोनों के डिफरेंस को देखोगे, उसके लिए इसके और इसके डिफरेंस को देखोगे आप, ठीक है। अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है? तो आंसर है 20 रुपए का डिफरेंस है। कितने रुपए का डिफरेंस है? 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए है, ये क्या है? इसका प्रॉफिट है। ये क्या है? इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए ऑलवेज आपको सीपी माइनस एसपी करना है, तो आपको प्रॉफिट या हानि उसकी पता चल जाएगी। और अगर आपको उसकी छूट पता लगाना है, तो जो उसकी सेलिंग प्राइस है और जो उसकी मार्केट प्राइस है, उसको आप माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? मार्केट प्राइस मिल जाएगी। लेकिन अगर इसने जो प्राइस फिक्स कर दी, वो उसकी क्या कहलाती है? मार्केट प्राइस। जो मतलब एक सील लगाकर ठोक दिया कि भाई ये उसकी क्या होती है? मार्केट प्राइस होती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, जिसका मीनिंग मुझे आपको बताना था, ध्यान से आपने समझ लिया। एक बार फिर से दोहराता हूं, सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य, जो कि अपने आप में हमेशा कितना होगा? 100% होगा। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होता है। अंकित प्राइस, ठीक है, जो आपको चिट चुपका के दी है मैंने, 1500, 600 हर चीज पर चिट चुपकी रहती है ना, वो उसका क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। अब डिस्काउंट किसे कहते हैं? तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के डिफरेंस को क्या कहते हैं? छूट कहते हैं, यानी कि डिस्काउंट कहते हैं। और लॉस एंड प्रॉफिट किससे पता चलता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से पता चलता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बेसिक चीज और बताते हैं, फिर हम सीधा आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट टाइप की तरफ। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगला कंसेप्ट आता है परसेंटेज चार्ट। परसेंटेज चार्ट, तो याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्रतिशत। और अगर आपको प्रतिशत का नॉलेज है, और एक दूसरा एक चैप्टर है रेशियो। किसका नॉलेज है? रेशियो का नॉलेज है, आपको परसेंटेज का नॉलेज है, तो निश्चित रूप से आपसे प्रॉफिट एंड लॉस बनने वाला है। जिन अभ्यर्थियों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, तो परसेंटेज की पूरी कंप्लीट क्लास में बता चुका हूं। एक बार आप परसेंटेज पढ़ लेंगे, आपके परसेंटेज हेडिंग खत्म हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके सीरियल वाइज आपको पूरे परसेंटेज क्लास मिल जाएंगे। अभी जिसमें जितना परसेंटेज की आवश्यकता उतना मैं आपको बता देता हूं, और जहां जरूरत पड़ेगा डिफिकल्ट परसेंटेज आएगा वो मैं आपको निकाल कर भी बताऊंगा, क्लियर है। लेकिन फिर भी आप परसेंटेज क्लास देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो काम आएगा ही और आपके लाइफ में भी बहुत काम आएगा। चलिए अब देखिए भाई, परसेंटेज, परसेंटेज में हर एक चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। 100% का मतलब एक, तो एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, तो ये अपने आप में 100% है। कितना है? 100%। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को बीच में से कट कर दिया, तो एक बंदा इसके ए हिस्से को ले गया, एक बंदा इसके बी हिस्से को ले गया, तो इसके कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से। तो एक हिस्से को कितना परसेंट मिला, उसको कैसे निकालोगे? बस ये चार्ट उसी चीज के बारे में हमको बताता है कि एक वस्तु के हमने कितने हिस्से किए। बस इस चार्ट को बस ध्यान से याद कर लेना, और याद करने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक बार समझा रहा हूं, मैं यहां पर लिखा रहा हूं पूरा आपको, बस इसको ध्यान से देखते रहना एवरीडे, आपको याद हो जाएगा। और ये जो चार्ट है ना, वो आपको प्रैक्टिस से याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है। चलो तो बात करते हैं, 100% का मतलब होता है एक। अब मैं पूरा चार्ट बना रहा हूं, एक बार ध्यान से रिवाइज कर लेना। अब देखिए, हमने किसी वस्तु के 2 हिस्से किए, तो एक हिस्से को कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। अब यदि हमने उस वस्तु के 3 हिस्से कर दिए, कितने हिस्से कर दिए बेटा? 3। तो एक हिस्से को कितना मिलेगा? 33.3% मिलेगा। और 33.3% का मतलब होता है 33.33%, ठीक है। अब यदि हमने उसके 1/4 हिस्सा कर दिया, तो 25% होता है।
एक बटा पाँच हिस्सा कर दिया तो 20% होता है, एक बटा छः हिस्सा कर दिया तो 16 × 2/3% होता है, 1/7 कर दिया तो इसका मतलब होता है 14 × 2/7% होता है। इसके बाद हमने उसके 1/8 हिस्से कर दिए तो 1/8 का मतलब होता है 12 × 1/2% होता है। अब यदि हमने उसके 1/9 हिस्से कर दिए इसका मतलब होता है 12.5 कितना होता है 5%। ओके, अब 1/9 हिस्से कर दिए तो 1/9 का मतलब होता है 11 × 1/9% यानी कि 11.11%। अब यदि हमने उसके 10 हिस्से कर दिए तो 10% होता है। अब यदि हमने उसके 11 हिस्से कर दिए तो 9 × 1/11% यानी कि 9.09% होता है। अब यदि हमने उसके 12 हिस्से कर दिए तो इसका मतलब होता है 8 × 1/3% होता है यानी कि 8.33% होता है। अब यदि हमने उसके 13 हिस्से कर दिए तो 7 × 9/13% होता है यानी कि 7.69% होता है। अब यदि हमने उसके 1/14 हिस्से कर दिए, कितने हिस्से कर दिए 1/14, तो 1/14 का मतलब होता है 7 × 1/7% होता है। 1/15 हिस्से कर दिए तो 6 × 2/3% होता है और 1/16 कर दिया तो 6 × 1/4% होता है यानी कि 6.25%। ठीक है, 1/ हमने कर लिया 20 तो 20 का मतलब होता है 5%। तो ये परसेंटेज का यानी कि प्रतिशत का कंप्लीट चार्ट मैंने आपको बना दिया है, इसको ध्यान से नोट कर लेना। वैसे तो इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही जैसे क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और इसको अच्छे से सामने लगा लेना, बिल्कुल जस्ट आपके सामने। जब भी आप कोई भी कहीं भी कोई काम कर रहे हो तुरंत आपको नजर में आना चाहिए, हाँ इसका प्रतिशत ये है उसका प्रतिशत ये है, बस ऐसे आप ध्यान देते रहना तो निश्चित रूप से ये आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। फिर भी कम से कम इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा आप कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं तो इसको याद कर लीजिए मेरी मानिए। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस चैप्टर के पहले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए बच्चों, टाइप वन की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। जैसे मैंने आपको 1% दिया 33 × 1/3%, इसका मतलब क्या होता है 1/3 होता है। अब 1/3 में एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 3 जो होता है ना ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है यानी कि क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब इस क्रय मूल्य को आपने कितने प्रॉफिट में बेचा है या कितने हानि लेकर आपने बेचा है तो वो हानि और लॉस कौन बताएगा, ये ऊपर वाला बताएगा। ये हमेशा क्या बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो एग्जांपल आपको देते हैं, एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है 3 है। अब मैंने उसको बेचा 1 रुपये अधिक पर बेचा, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट मैंने उस पर कमाया, तो अगर मैं 3 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 4। तो खरीदा कितना था, कॉस्ट प्राइस कितनी 3, बेचा काय में है, बेचा सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उसको 4 रुपये में, यानी कि मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। तो ये 1 रुपये का प्रॉफिट कैसे पता लगाया मैंने, 3 में 1 जोड़ दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरह से मैंने उसकी एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी है 3, अब उसको 1 रुपये की हानि पर बेचा तो इस 3 में से ऊपर जो नंबर है ना उसको हम माइनस कर देंगे तो इसका हानि कितना आ जाएगा 2, तो ये इसकी क्या हो गई सेलिंग प्राइस। तो खरीदा कितने में 3 रुपये में, बेचा कितने में 2 रुपये में, तो ये क्या हो गया हमको लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस, कितने रुपए का 1 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। और पहले क्या हो रहा था 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो नीचे वाले नंबर को ऊपर में जोड़ दीजिए आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा, और अगर आपको हानि निकालनी है तो नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले को जोड़ दीजिए आपको क्या पड़ जाएगी हानि का पता चल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 होता तो 3 में 2 जोड़ते, ठीक है, और यहाँ पर 2 होता तो 3 में 3 घटाते, सॉरी 2 घटाते। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत काम में आने वाला है, बस इसको जरा ध्यान से देख लेना। 3 का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जो नीचे लिखा रहता है वो कॉस्ट प्राइस होती है और ऊपर जो लिखा रहता है वो हमेशा क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूँ, वो भी फर्स्ट टाइप की तरफ। आइए बच्चों, पहला टाइप हम करेंगे, अब इसको 3-4 मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो इनका ये कहना है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये, यानी कि हमको किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 8,000 रुपये, ठीक है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि इसको 25% का क्या प्राप्त हो, प्रॉफिट प्राप्त हो यानी कि लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो इसको एक तो पहला मेथड तो ये होता है जैसे कि हमने ये लिखा 8,000, ठीक है, 8,000 का हम 25% निकालें पहले तो, ठीक है, ये निकालेंगे 25 × 100, 4 से ये कैंसिल हो गया, 2,000 आ गया। अब इस 2,000 को हम 8,000 में ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 10,000, ठीक
ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ये आपका एक मेथड हो गया, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया? फर्स्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड मैं आपको यही बता देता हूँ, इसका सेकंड मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, 8000, ये हमारा 8000 है। अब मैंने आपको बताया है एक चीज़, पहले समझ लीजिए, ये जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है ये अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ये कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और प्रॉफिट और लॉस दोनों ही किस में होते हैं, कॉस्ट प्राइस में होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ को 8000 में खरीदा है, अब बेच दिया उसको 7000 में, तो कमी किस में आई है, इसी में आई है। ठीक है, और अगर आपने किसी चीज़ को 8000 में खरीदा है, बेचा 10000 में, तो वृद्धि भी किस में आई है, इसमें आई है। तो प्रॉफिट और लॉस किस में होता है, कॉस्ट प्राइस में होता है। और कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो आपको क्या करना है, ये दिया है 8000 रुपये। अब इस 8000 में आप देखो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी, 100%, आप कितने परसेंट दाब पे बेच रहे हो उसको, 25, तो 100 में 25 जोड़ दो तो 125 हो गया, और बटे क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, ये काट लो, ये 25 से कट जाएगा 5 बार में, ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में, और 4 से इसको काट लो, ये कितनी बार में चला जाएगा आपका, 2 बार में चला जाएगा, 2000 में 5 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10000 लो, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड मेथड है। अब थर्ड मेथड, इतना आसान मेथड है और सबसे ज्यादा मेरे को शानदार मेथड लगता है, रेशियो मेथड। तो अब मैं आपको बताता हूँ रेशियो मेथड। तो देखिए थर्ड मेथड हम ले रहे हैं, इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड में आपको करना क्या होगा, सबसे पहला काम ये है, देखिए आपको क्या दिया है, 25% दिया हुआ है। 25% का मतलब तो आपको बताइए क्या होता है, 1/4, क्या होता है, 1/4। ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और ये आपको क्या बताती है, प्रॉफिट एंड लॉस, अभी जस्ट आपको बताया। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, इनका आप क्या बना लेंगे, रेशियो बना लेंगे, क्या बना लेंगे, रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4। अब आपने उसको लाभ में बेचा है, तो लाभ में बेचा है तो ये जो 4 है ना, इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये कितना हो गया, 5, क्या हो गया, 5। अब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, यस 8000 के बराबर है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 8000 के बराबर है, और अगर मैं इस कॉस्ट प्राइस को 8000 के बराबर लाना चाहता हूं, तो अभी मैं इसमें क्या करूंगा, यस 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी मैं इसमें 2000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 में, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, 8000 मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2000 का गुणा करता हूँ तो इसमें भी मेरे को कितने का करना पड़ेगा, 2000 का, और 2000 का गुणा करूँगा तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा, 10000। तो ये 10000 आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी, 8000 थी, और सेलिंग प्राइस कितनी थी, ठीक है, 10000। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 4 से 8 से, मतलब 4 को 8000 कैसे बनाया है। तो देखो इसका मतलब ये होता है, ये जो आपको कॉस्ट प्राइस दी है 4, ये हमने कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनाया इस परसेंटेज से, 4, और ये कितना, 5, ठीक है। अब ये जो 4 है ना, वो 4 किसके बराबर है, आंसर है आपके सीपी के बराबर है, किसके बराबर है, सीपी के बराबर। अब ये इसको कैंसिल कर दोगे तो ये 1 का मान आ गया, अब ये इसको कैंसिल कितना आ गया, 2000 आ गया, कितना आ गया, 2000। तो हमेशा हम 1 की वैल्यू निकालते हैं रेशियो में। अब इस 2000 का मल्टीप्लाई अगर आप इससे कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो ये बहुत शानदार मेथड है, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसी मेथड से करने का प्रयास करा करेंगे। तो इस मेथड को तो हम अपनाएंगे नहीं, या तो आप इससे करिए सवाल को, या फिर किससे करिए, इससे करिए, फॉर्मूले रटने की आपको कोई झंझट पालनी नहीं है। समझ में आया, आप इसी तरह के और क्वेश्चन ट्राई करते ताकि आपको ये मेथड का रिवीजन हो जाए। चलिए अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 12000 रुपया, डन। इस पर 23.33% का लाभ लिया, परसेंटेज आपको कितना दिया हुआ है, परसेंटेज आपको दिया हुआ है 23.33% लाभ लिया, तो उसका हमको सीलिंग प्राइस बताना है, राइट, ओके। अब इस क्वेश्चन में केवल आपका डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये है, ठीक है, क्या चीज़ है डिफिकल्टी लेवल, ये है बस, बच्चे को ये दिखा उसने सवाल को छोड़ा, अब नहीं बनेगा भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं इस चीज़ को सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इसको परसेंटेज में बहुत आसानी से सिखा चुका हूं, एक बार फिर से आपको दोहराता हूं, आपको याद आएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 23.33% लिखा है ना ये,
अब मजा देखना इसमें कैसे करना है। इसको हमें कम कर लो, डिवाइड कर लो बेटा, क्या कर लो डिवाइड। क्या मैं इसको 20% प्लस 3.33% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि जब आप इसको जोड़ोगे तो 23.33% आएगा। ठीक, अब हमको 20% का मतलब चार्ट से याद है क्या होता है, हमको पता है 1/5 होता है, कितना होता है 1/5, क्या हमको इसका मतलब पता। अरे सर ने तो 33 सही कुछ ऐसा कुछ बताया था, लेकिन ये तो 3.33% आ गया, ये कैसे आ गया। देखो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3 होता है, और इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो 33.33% होता है। अब आप इसको देखिए, अब 1/3 का मतलब होता है 33.33, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है 3.33, यानी कि ये पॉइंट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, इसको मुझे यहाँ ट्रांसफर करना है। तो याद रखिए, जब भी आपको पॉइंट को ट्रांसफर करना होगा ना, तो जैसे ही आप पॉइंट को ट्रांसफर करेंगे तो आप एक काम करेंगे, ये जो 1/3 है, ये जो 1/3 है, यहाँ पर क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे, क्या लगा दोगे, 0, बस। अब आपका हो गया, इसको क्या बोलते हैं 1/5, इसको क्या बोलते हैं 1/30, इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा, ये 6 बार में गया, ये 1 बार में गया, तो 7/ कितना हो गया 30, बस। तो अब आपका सबसे पहला टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि जो भी आपको डिफिकल्ट परसेंटेज दिया है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आपके लिए वो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू आ गए। अब हम इसका रेशियो बनाएंगे, अभी आपको रेशियो मेथड बताया था, अब फिर से सीखिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 30, ये लाभ में बेच रहा है या हानि में बेच रहा है वो हमको क्वेश्चन बता रहा है कि इतने प्रतिशत लाभ में, तो ये ऊपर वाला परसेंटेज होता है तो उसी में हमको लाभ ढूंढना है उसका, तो 30 में 7 जोड़ दोगे क्योंकि लाभ में बेचा है, तो ये कितना आ गया 37, तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये इसकी सेलिंग प्राइस है, डन। अब आपको क्या निकालना है, आपको दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, तो आप क्रय मूल्य लिखिए कितना, 12,000 रुपये, ठीक है। अगर ये क्रय मूल्य दिया है तो इसमें डिवाइड भी किससे करिए, क्रय मूल्य से डिवाइड करिए, सीपी से, क्योंकि सीपी का रेशियो तो 30 है ना, और इसमें विक्रय मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा विक्रय मूल्य कितना। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया होता तो विक्रय मूल्य लिखते, क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करते, आपको क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, विक्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे, बस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 4 400 हो गया, ठीक है। अब 400 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो ये 2 0 तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, 7 4 28 की 8 हासिल लगी, 2 7 का इसमें करेंगे, वो सॉरी 4 का इसमें करेंगे, 4 3 12 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, तो 14 800 आपका आंसर आ गया, यानी कि उत्तर नंबर डी, उत्तर नंबर डी क्या हो गया, आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बार फिर से दोहराता हूँ, सीपी आपको दिया था 12,000 रुपये, केवल आपके लिए डिफिकल्टी लेवल ये प्रतिशत था, जिसको आपको सबसे पहले फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, यानी कि इसका भिन्न बनाना है, तो इसको आप तोड़ेंगे 20 प्लस दिस, और इसको ये जाना पहचाना नंबर है, ये किस में आता है, 1/3 में आता है, 1/3 में आता, तो एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या दशमलव की, तो उस दशमलव को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो हमेशा नीचे 0 लाएंगे, अगर 2 अंक ट्रांसफर करेंगे तो 2 0, 3 अंक ट्रांसफर करेंगे तो 3 0, बस। यहाँ रखा, सॉल्व किया, फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन का रेशियो आपको बनाना आता है, और ये हमने बताया कॉस्ट प्राइस 30 है तो उसकी सीलिंग प्राइस कितनी होगी, 37, क्योंकि 7 रुपये प्रॉफिट में मैं इसको बेच रहा हूँ, कितने रुपये प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, 7 रुपये इस परसेंटेज के हिसाब से। तो बस, अब आपको क्रय मूल्य दिया है उसको रखेंगे, और क्रय मूल्य का रेशियो क्या है, 30 को नीचे रखेंगे, विक्रय मूल्य पूछा गया है, जितना विक्रय मूल्य का रेशियो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इनका ये कहना है किसी वस्तु को 66,300 रुपये मैं बेचा गया, यानी कि ये आपका क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है कितना, ठीक है, 66,300 रुपये, ठीक है, ओके। उसको कितने प्रतिशत पर लाभ हुआ, लाभ आपको परसेंटेज दिया है 27.5%, तो आपको क्या निकालना है, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है, कैसे निकालोगे, ठीक, पहली चीज तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल क्या है आपके, 27.5, कोई बात नहीं, अब इसको मैं बताता हूँ कैसे। तो आप तो ये सोच रहे होगे, ये तो चार्ट में बताया नहीं, तो इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो देखो बड़ी आसानी सॉल्व करोगे, मैंने यहाँ लिख लिया 27.5, ठीक है, इसको तोड़ो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 25% प्लस
2.5% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि जब आप इसको जोड़ोगे तो वही आएगा ना। इतना गणित तो आपको आना चाहिए भैया, तोड़ना तो आना चाहिए, ठीक है। और हमेशा उसी चीजों में तोड़ो जिनका प्रतिशत आपको पता हो। मुझे 25 का प्रतिशत पता है, और इसका पता है कि नहीं पता? पता है भाई, घबरा मत, इसका भी पता है आपको। कैसे? देखो, आपको पता है, यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अब भैया जहाँ तो दशमलव आ गया, तो काहे घबरा रहे हो? यहाँ दशमलव लगा दो और जहाँ जीरो बढ़ा दो, बस होगा काम। 1/40, 1/4, एलसीएम लिया 40, ये 10 और ये 1, तो 11/40। ये आपको इसका फ्रैक्शन मान मिल गया। अब कुछ नहीं है, अब तो आपको पता ही है सीपी रेशियो क्या निकालना है, एसपी। तो सीपी कितना है आपका 40, और 11 आप उसमें ऐड कर देंगे, 11 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 51। कितना हो गया भैया? 51 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या दिया है? यहां पर आपको दिया गया है विक्रय मूल। तो ये लिखा भैया हमने विक्रय मूल, ठीक है, और इसमें विक्रय मूल से डिवाइड करेंगे, जैसा कि अभी आपको सिखाया था, क्रय मूल से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1300 बार में, और ये इसका गुणा कर लीजिए सिंपली, ठीक है। 1 0 2 3 0 लगा लेता हूँ पीछे में, पहले तो 4 3 12 2 हाँ से लगी 4 और 1 5, तो 52,000 रुपये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर? कहीं आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत? तो ये परसेंटेज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट तब होंगे जब वो आप चार्ट याद नहीं करोगे। एक बार आप उस चार्ट को ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, याद कर लीजिए, कोई भी परसेंट आपसे बनेगा। और ये थोड़ी प्रैक्टिस से भी आता है, और प्रतिशत का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसको देख लेना, मजा आ जाएगा। इसमें भी आपको मजा आ रहा होगा, आशा करता हूँ ऐसी में। चलिए आप बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है किसी वस्तु का 46,000 रुपये में बेचा, यानी कि ये आपको दिया है सेलिंग प्राइस कितना, 4600। डन, ओके। इसमें कितने प्रतिशत का लाभ कमाया उसने? 15% का लाभ कमाया, तो उसको कॉस्ट प्राइस हमको बतानी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15% का मतलब आपको पता है, नहीं पता है तो आप इसको तोड़ सकते हो 10% + 5% में। 10 का मतलब होता है 1/10, ठीक है, और 5 का मतलब होता है 1/20। एलसीएम आपका 20 आया, ये 2, ये 1, 3/20। डन, अब आप इसका रेशियो बना लीजिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 20, ये हो गया 23, ठीक है। आपको दिया क्या है? सेलिंग प्राइस, तो 46,000 मैंने यहाँ लिखा, और इसके नीचे ये आएगा 23, और गुणा किसका करेंगे? 20 का। अब इसका इसमें डिवाइड कैसे देंगे? तो हमेशा आप ये सोचा करो, 3 का दुगुना क्या होता है? 6। 2 का दुगुना क्या होता है? 4। तो कितनी बार में चला गया ये? 2 बार में चला गया, और पीछे कितनी जीरो? 1 2 3 0 लगा दो। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया? 4। कितनी जीरो है? 4, यानी कि 40,000 रुपये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, अब हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम करते हैं टाइप 2 का, यानी कि हमारे 5वें नंबर का प्रश्न है। किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदा गया। इनका ये कहना है कि एक वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदा, ठीक है, और 18,000 रुपये में बेच दिया उसको, तो कितना आसान प्रश्न है, हमको लाभ परसेंट निकालना है। तो भैया 15,000 में खरीदा, 18,000 में बेचा, आपको बताया था क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो आपको लाभ हानि देखना है, तो हमेशा इनको आपस में क्या करना है? माइनस करना है। तो ये 3,000 आ गया, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो याद रखिए हमेशा 3,000 के अपॉन में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस, जैसा कि शुरुआत में बताया था। ये आपने कॉस्ट प्राइस लिखा, मल्टीप्लाई 100 का किया, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, ठीक है, ओके। 15 2 30, 1 0 से यहाँ पर उड़ा देता हूँ, 15 2 कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। तो 20% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु को 24,000 रुपये में खरीदा, खरीद कर 27,600 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि परसेंट निकालिए। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा 24,000 में खरीदा है, 27,600 बेचा है, तो लाभ होगा या हानि? ऑब्वियसली लाभ होगा। अब कितना लाभ होगा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 15%। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को देना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। राम ने 5,000 रुपए में एक घड़ी को खरीदा, कितने में खरीदा?
5000 रुपये में, ठीक है, ओके। घड़ी को खरीदा और उसे 10%, देखो 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10% के लाभ पर, तो यानी कि ये लाभ हो रहा है तो मैं इस पर प्लस चिन्ह लगा लेता हूँ याद रखने के लिए कि यहाँ पर लाभ हुआ है, ठीक है। लाभ पर श्याम को बेच दी, फिर श्याम ने उसको यूज़ किया, फिर उसने भी बेच दी, कितने प्रतिशत लाभ पर, 9/11% के लाभ पर। और ये वाला परसेंट तो हमारे चार्ट में आता है, इसको क्या बोलते हैं, 1/11, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/11, 10% कितनी होती है ये, ठीक है। इसने अभी लाभ पर भेजा तो इस पर ही प्लस लगा लेता हूँ। और इसके बाद मोहन को बेच दी, मोहन ने इसको, अरे भाई इसमें दिमाग नहीं था, इसने हानि पर भेजी, तो यानी कि इसने कोई परसेंटेज नहीं है, 1/5 की हानि पर इसको रोहन को बेच दी। तो रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो 10 है, अब इसने उसको बेचा है, लाभ पर बेचा है, तो मैंने आपको बताया था नीचे की क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर का क्या होता है, यस प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इसमें आप एक ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, ठीक है। इस घड़ी को इतने परसेंट पर, इतने परसेंट के लाभ पर बेचा, फिर इसी वॉच को किस पर बेचा गया, यस इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया, तो ये 11 है और इसमें एक ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, 12/11। और फिर इसी चीज़ को किस पर बेचा गया, हानि पर, तो यानी कि हानि हुई है, तो 5 में से ऊपर एक घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। बस सिंपली इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा 11 से 11 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, और 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कितनी बार चला गया, एक बार में, यानी कि 100 आ गया यहाँ पर हमको, 12 चौक कितना होता है, 48, तो 48 ये और 2 जीरो ये, तो यानी कि उसने कितने में खरीदी होगी, 48 रुपये में, तो इसका सॉरी 4800 में, तो 4800 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसने राम ने 5000 रुपये में एक घड़ी खरीदी, ठीक है, और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया, तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, इतने प्रतिशत के लाभ पर उसको बेचा, तो 10% का क्या होता है, 1/10, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 11/10। फिर इसी चीज़ को श्याम ने किसको बेचा, कहाँ गया, श्याम ने किसको बेचा, मोहन को बेचा, और उसने इतने प्रतिशत पे बेचा, तो उसका परसेंटेज ये हो गया। और फिर इसने जिसको बेचा, उस बेवकूफ ने रोहन को बेचा इतने परसेंट की हानि पर, यानी कि इतने पर हानि पर, बस इसको सिंपली अपन ने सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी शानदार सा प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है टाइप 3 का। देखिए, इनका ये कहना है कि एक व्यापारी इतने रुपये में कुछ वस्तुएँ खरीदता है, इसमें से 3/4 भाग 8% के लाभ पर बेच देता है, तो शेष को वो कितने परसेंट पर बेचे जिससे कुल लाभ उसको इतना हो, ठीक है, इतने पर बेच रहा है और कुल लाभ कमाना चाहता है 7% पर। तो देखिए, आपको दिया गया है 3/4 भाग वो बेचता है कितने प्रतिशत पर, 8% पर, शेष भाग को वो कितने पर बेचे कि उसको 7% का क्या हो, लाभ कमाना है, तो ये वो लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, तो शेष भाग को कितने परसेंट पर बेचे, ओके। तो देखो, एक मिनट के लिए आप ये सोचिए, ये जो नंबर लिखा है 3/4, इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, भिन्न। भिन्न में अभी मैंने आपको बताया इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, लेकिन भिन्न में इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है, और इसका मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा को इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट, यानी कि चीज टोटल 4 है, उसके कितने हिस्से कर दिए, 3, तो बचा कितना, 1, तो उस एक हिस्से को कितने प्रतिशत में बेचना चाहता है, उस बारे में ये सवाल है। अगर यहाँ पर 5 होता और मैंने ऊपर लिखा 3, तो मेरे पास टोटल कितना है, 5, उसके कितने हिस्से किए, 3, बचे कितने, 2, तो 2 हिस्से को कितने बेचना चाहता है, ये उसके बारे में सवाल है। बस अब इतनी बात समझ गया, तो देखो अब क्या करता हूँ मैं इसको, तो देखो मैंने क्या किया, इसके ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कितने में बेचा, 8% पर बेचा, कितने परसेंट पर बेचा, 8, तो ये कितना हो गया, 24%, ये मैंने क्या किया, इसको बेचा, ठीक है। अब मैं इसके टोटल हिस्से को कितने पे बेचना चाहता हूँ, 7% पे बेचना चाहता हूँ, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ, 28 हुआ, तो शेष भाग की अगर मैं बात करूँ तो कितना बच रहा है, 1, तो शेष भाग का परसेंटेज कितना आएगा, 4%। तो अगर मैं 3 भाग को 8% में बेचता हूँ और बचे हुए भाग को, यानी कि इस बचे हुए भाग को अगर मैं इतने प्रतिशत का लाभ कमाना चाहता हूँ, तो मेरे को कितने परसेंट से बेचना पड़ेगा, तो आंसर है 4% से बेचना पड़ेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में इसकी तो हमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ये वैसे ही क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया, समझ में आया,
कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, समझ जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतने क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास में इसके और भी टाइप लेकर आऊंगा और शानदार ट्रिक के साथ, वो मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।